नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण श्रीवास्तव। मैं आगामी मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर अपने क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को, इष्ट मित्रों को, अपने सहयोगियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जनपद ललितपुर के जखौरा में रविवार को राम दरबार की भव्य शोभा यात्रा ने गांव में आचार्य कमलेश कुमार शास्त्री के सानिध्य में प्रवेश किया। इस दौरान भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और राम भक्त हनुमान जी की प्रतिमाओं की विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा जखौरा पेट्रोल पंप से बस स्टैंड, छोटा बाजार, नदी मोहल्ला होती हुई टेकरी धाम पहुंची। रास्ते में जगह जगह लोगों ने भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की प्रतिमाओं का तिलक कर तथा पुष्प अर्पित करके आरती उतारी। आपको बता दें कि आगामी 20 मई से 30 मई के मध्य जखौरा के अन्ना देवास टेकरी धाम मंदिर पर श्री राम महायज्ञ एवं श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की जाएगी। बताया गया कि पुष्य नक्षत्र में यहां महायज्ञ की ध्वज स्थापना की गई थी और पुष्य नक्षत्र में ही राम दरबार की प्रतिमाओं को वैदिक रीति रिवाज के अनुसार मंदिर में रखा गया। यह भी बताया गया कि राम दरबार की उक्त प्रतिमाओं को ग्राम प्रधान नीरज जायसवाल व कमेटी के सदस्यों द्वारा जयपुर से लाया गया है। मूर्तियों की प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य ब्लू वेल्स स्कूल झांसी के चेयरमैन वीरेंद्र राय को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर ललितपुर सदर विधायक राम रतन कुशवाहा, कल्पनीत सिंह लोधी, बाबा वीरेंद्रानंद रघुनाथ मंदिर जखौरा, वीरेंद्र बाबा टेकरी धाम मंदिर, पंडित मनोहर लाल पटेरिया, क्षत्रिय सभा के जिला अध्यक्ष भूपेन सिंह बुंदेला, रमा शंकर चौबे, सोनू चौबे, कल्लन सैनी, अनिरुद्ध सिंह यादव प्रधान बांद्रौन, गुलाब सिंह यादव, परमानंद सोनी, आलोक स्वामी, जयपाल सिंह परमार लालौन, अशोक सोनी, रूप सिंह राजपूत, ब्रज किशोर, जयंत जैन, बलराम सिंह आदि समेत सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए जखौरा से सोनू चौरसिया की रिपोर्ट।